जो 233 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया जा रहा है, मैं उन सबसे इसी बात को कहूंगा कि जिस ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से आपका चयन हुआ है, आपसे सरकार भी एक उम्मीद करती है कि इसी ईमानदारी के साथ अपनी प्रैक्टिस को निरंतर बनाए रखते हुए आप जब तक सामर्थ्य है तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खेलिए, राज्य सरकार के लिए खेलिए, और अगर जब एक बार आपको लगेगा कि नहीं अब इससे अलग होना है तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के उस संबंधित खेल के कोच के रूप में नवोदित खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी आपको सदैव तत्पर रहने के लिए कार्य करना होगा। याद रखना कि खेल जीवन में हर फील्ड में शोध के कुछ अवसर आते हैं, हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ हम नया दे सकते हैं या इसमें कुछ ना कुछ नयापन निखार आता है हर खिलाड़ी के जीवन में। कैसे इस पे हो सकता है, इस पे भी निरंतर हमें नवाचार और शोध के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, या कहीं भी दुनिया में कोई इस पे नई चीज सामने आ रही है उस पर भी हमें ध्यान रखना होगा जिससे हम अपने खिलाड़ियों को हमेशा अपडेट कर सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।